वेलकम बैक फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेट प्राइवेट सेक्टर डाइवर्सिफाइड एंड मल्टी इंडस्ट्री कंपनी आई टी सी लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल करंट फाइनेंशियल ट्रेंड्स बिजनेस अपडेट्स फ्यूचर आउटलुक और प्राइस के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्यों आई टी सी का शेयर प्राइस पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और शेयर में आए रिसेंट फॉल के बाद क्या हमें आई टी सी में खरीदारी करनी चाहिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के हिस्ट्री से आईटीसी लिमिटेड की स्थापना 24 अगस्त 1910 में हुई तब इसका नाम टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था। आईटीसी शुरुआत में ब्रिटेन की डब्ल्यू डी एन एच ओ विल्स कंपनी की एजेंट हुआ करती थी और इंडिया में इनके सीजर्स और दूसरे सिगरेट ब्रांड्स का मार्केटिंग करती थी 1913 में कंपनी का पहला सिगरेट फैक्ट्री स्टार्ट हुआ बेंगलुरु में और 1925 में कंपनी ने पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया उस वक्त यह डिवीजन कंपनी ने अपने खुद के सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग के लिए ओपन किया था फिर 1928 में कंपनी का फर्स्ट ऑफिस बना कोलकाता में जिसका नाम वर्जीनिया हाउस रखा गया यह ऑफिस आज भी कंपनी का हेडक्वार्टर है और कोलकाता के फेमस लैंडमार्क्स में से एक है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कंपनी का ओनरशिप इंडियन मैनेजमेंट के पास आ गया और 1970 में कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से चेंज करके इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया और इसके बाद 1970 में कंपनी के नाम को दोबारा चेंज करके आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया फिर 1975 में कंपनी का होटल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एंट्री हुआ और 1979 से आईटीसी पेपर बोर्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने लगी इसके लिए कंपनी ने भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड को प्रमोट किया जिसे 2002 में कंपनी में एमलगमेट कर लिया गया था दो बन गई और इसका नाम सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया 1990 में आईटीसी ने एग्री बिजनेस डिवीजन स्टार्ट किया एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट के लिए यह डिवीजन प्रेजेंटली इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है इसके अलावा 1990 में आईटीसी ने एक स्पेशलिटी पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रिबेनी टिश्यूज लिमिटेड जो कि उस वक्त सिगरेट इंडस्ट्री को टिश्यू पेपर सप्लाई करने वाली काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी उसका अधिग्रहण किया जिसे आगे चलकर भद्राचलम पेपर बोर्ड डिवीजन के साथ मर्ज कर दिया गया और इस तरह से आईटीसी के पेपर एंड स्पेशलिटी पेपर्स डिवीजन की स्थापना हुई नवंबर 2002 में इसके बाद आईटीसी ने मध्य प्रदेश के सोया फार्मर्स के साथ बेस लेवल पे जुड़ने और उनसे डायरेक्टली एग्री प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ई चौपाल स्टार्ट किया ईयर 2000 में इस ई चौपाल के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे और इसी साल आईटीसी ने लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस में भी एंट्री किया और ईयर टू में ही आई ने अपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिविजन को अलग किया और आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड सेटअप किया जो कि आईटीसी की वोली ओन है प्रेजेंटली ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल वो सब्सिडरी है प्रेजेंटली ग्लोबल्ड कंपनीज में से एक है इसके अलावा ईयर 2000 में ही आईटीसी ने ग्रीटिंग कार्ड्स भी लॉन्च किया अंडर ब्रांड नेम एक्सप्रेशन इसके बाद टू में आईटीसी ने ब्रांडेड पैकेज फूड सेगमेंट में एंट्री किया और किचन ऑफ इंडिया रेडी टू ईट इंडियन गवर्नमेंट डिशेस लॉन्च किया और नेक्स्ट ईयर 2002 में मिंटो कैंडी मैन और आशीर्वाद आटा लॉन्च किया फिर 2002 में आईटीसी ने एजुकेशन एंड स्टेशनरी सेगमेंट में एंट्री किया और पेपर क्राफ्ट ब्रांड नेम के अंडर प्रीमियम रेंज के नोटबुक्स लॉन्च किए और इसके अगले साल 2003 में क्लासमेट नोटबुक्स लॉन्च किया प्रेजेंटली क्लासमेट ब्रांड नेम के अंडर आईटीसी प्रैक्टिकल बुक्स ड्रॉइंग बुक्स ज्योमेट्री बॉक्सेस पेन्स पेंसिल और दूसरे स्टेशनरी आइटम सेल करती है और पेपर क्राफ्ट ब्रांड के अंडर प्रीमियम एक्सिक्यूटिव स्टेशनरी और ऑफिस स्टेशनरी आते हैं 2002-2003 से आईटीसी इंटेंस स्टिक्स और सेफ्टी मैचेस बनाने लगी और 2003 में आईटीसी ने सनफिश ब्रांड नेम के साथ बिस्किट सेगमेंट में एंट्री किया और 2005 में आईटीसी ने एजेंजा डिविल्स फियामा वीवेल सुपीरिया ब्रांड्स लॉन्च किए और इसके साथ ही आईटीसी का पर्सनल केयर बिजनेस में भी एंट्री हो गया इसके बाद आईटीसी ने 2007 में बिंगो लॉन्च किया फिर 2010 में आईटीसी ने सी ने के साथ इंस्टेंट नूडल मार्केट में एंट्री किया और दो हजार तेरह में आई टी सी ने एंगेज डिओड्रेंट लॉन्च आईटीसी ने फ्रूट बेस्ड जूस बी नेचुरल लॉन्च किया और 2015 में ही आईटीसी ने आशीर्वाद स्वस्थी घी लॉन्च किया और दो में ही आईटीसी ने सेवलॉन और शावर टू शावर ब्रांड्स को एक्वायर किया फिर दो में फैबेल चॉकलेट इंट्रोड्यूस किया और 2017 में आई ने अपने स्किन केयर पोर्टफोलियो को एनहैंस करने के लिए चारमीस ब्रांड को एक्वायर किया इन सारे ब्रांड्स के अलावा ईयर 2000 से लेकर अब तक आईटीसी ने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए बट टाइम कंस्ट्रेन की वजह से मैं सभी का नाम यहां नहीं ले रहा हूं प्रेजेंटली आईटीसी इंडिया की सबसे प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनी में से एक है आईटीसी एक डायवर्सिफाइड कंपनी है और इनका मेन बिजनेस है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होटल्स पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर पैकेजिंग एग्री बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस आईटीसी का एफ बिजनेस दो पार्ट में डिवाइडेड है एक पार्ट है सिगरेट और सेकेंड पार्ट है अदर्स और इस अदर पार्ट में आता है फूड्स पर्सनल केयर एजुकेशन पेपर एंड स्टेशनरी ब्रांडेड एप एल स्टिक्स एंड सेफ्टी मैचेस चलिए अब आईटीसी के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स और ब्रांड्स को एक एक करके समझते हैं फूड बिजनेस आईटीसी का ब्रांडेड पैकेज फूड बिजनेस इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड बिजनेस में से एक है फूड बिजनेस में आई टी स्टेपल स्पाइसेस बिस्किट कन्फेक्शनरीज गम्स स्नैक्स नूडल्स पास्ता ब्रेवरेजेस डेयरी रेडी टू ईट मिल्स चॉकलेट कॉफी एंड फ्रोजन फूड जैसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है इस सेगमेंट में आईटीसी के मेन ब्रांड्स हैं आशीर्वाद बिंगो सनफीस्ट फेबेल सनबीन यचेंस ऑफ इंडिया बी नेचुरल ITC टी सी मास्टर शेफ फार्मलैंड मिंटो कैंडीमैन और गमऑन आशीर्वाद आटा इंडिया का नंबर वन आटा ब्रांड है ITC अपने आशीर्वाद ब्रांड नेम के अंडर आटा नमक घी डेयरी प्रोडक्ट्स मसाले इंस्टेंट मिक्स जैसे प्रोडक्ट्स सेल करती है इसी तरह से हर ब्रांड नेम के अंडर ITC बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करती है इंडिया के अलावा आई अपने फूड प्रोडक्ट्स को नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपोर्ट करती है पर्सनल केयर आईटीसी के पर्सनल केयर ब्रांड की शुरुआत 2005 में हुई पर्सनल केयर में टू शावर नीम के मेन ब्रांड डर्माफिक और सुपीरिया एंगेज डिओ स्प्रे इंडिया का नंबर टू डिओंट ब्रांड है और वुमेन्स डिओ सेगमेंट में इंडिया का नंबर वन डियोडरेंट ब्रांड है एजुकेशन पेपर एंड स्टेशनरी ITC ने 2002 में प्रीमियम सेगमेंट में पेपरक्राफ्ट ब्रांड नेम के साथ प्रीमियम नोटबुक्स एंड पेन्स लॉन्च किया और इस तरह से ITC का एजुकेशन एंड स्टेशनरी सेगमेंट में एंट्री हुआ फिर नेक्स्ट ईयर 2003 में ITC ने क्लासमेट नोटबुक ब्रांड लॉन्च किया अब क्लासमेट एक कंप्लीट स्टेशनरी प्रोडक्ट रेंज बन चुका है लाइफस्टाइल रिटेलिंग या ब्रांडेड अप्रैल ईयर 2000 में ITC ने लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस में एंट्री किया प्रेजेंटली ब्रांड नेम के अंडर कंटेम्प्री फॉर्मल्स एंड कैजुअल का रिटेलिंग करती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तक जॉन प्लेयर्स भी आईटीसी का ही ब्रांड हुआ करता था बट मार्च दो हजार उन्नीस में आईटीसी ने जॉन प्लेयर्स ब्रांड को रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया है अगरबत्ती एंड धूप दो हजार तीन में आईटीसी ने अगरबत्ती सेगमेंट में एंट्री किया इस सेगमेंट में आईटीसी का मेन ब्रांड है मंगलदीप ये इंडिया का नंबर वन ध्रुप ब्रांड और नंबर टू अगरबत्ती ब्रांड है आईटीसी के अगरबत्ती डिवीजन के थ्रू 7000 से ज्यादा छोटे कामगारों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और साथ ही 4000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार मिलता है सेफ्टी मैचेस इस सेगमेंट में आईटीसी के मेन ब्रांड्स हैं एम होम लाइट और शिप एम इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग सेफ्टी मैच ब्रांड है और इसमें वुड और वैक्स दोनों तरह के मैचेस का प्रोडक्शन किया जाता है और होम लाइट लॉन्ग सेफ्टी मैचेस रेंज है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस 1975 में आईटीसी ने चेन्नई में एक होटल को एक्वायर किया और इसका नाम आईटीसी वेलकम ग्रुप होटल चोला रखा गया इस तरह से आईटीसी का होटल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एंट्री हुआ इस होटल को आज हम माय फॉर्च्यून चेन्नई के नाम से जानते हैं आईटीसी के होटल्स चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है जो है लग्जरी कलेक्शन ये वो लग्जरी होटल्स हैं जो कि आईटीसी मैरियट के साथ एक्सक्लूसिव टाइप में चलाती है ये आईटीसी के सबसे बेस्ट होटल्स हैं आईटीसी वेलकम होटल ये प्रीमियम रेंज के कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए फाइव स्टार होटल्स हैं आईटीसी फॉर्च्यून होटल्स ये होटल्स मिड टू हाई सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं आईटीसी फॉर्च्यून होटल्स आपको मेट्रोज मिनी मेट्रोस स्टेट कैपिटल्स और बड़े बिजनेस टाउन्स में मिलेंगे और लास्ट है ITC Welcome Heritage. इस सेगमेंट में ITC ने पैलेसेस फोर्ट्स और हवेलीस को होटल में तब्दील किया है ताकि विजिटर्स को इंडिया के रॉयल एंड हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल लेगेसीज का एक्सपीरियंस मिल सके रिसेंटली होटल सेगमेंट में अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए ITC ने श्रीलंका के कोलम्बो में अपना एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर बिजनेस इस सेगमेंट में आई टी सी पेपर बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनके मेन पेपर बोर्ड प्रोडक्ट्स हैं वर्जिन बोर्ड्स रिसाइकल्ड बोर्ड्स बैरियर कोटेड एंड बायोडिग्रेडेबल बैरियर कोटेड बोर्ड्स और ग्राफिक बोर्ड्स इसके अलावा आईटीसी स्पेशलिटी पेपर्स जैसे कि कम्युनिकेशन एंड राइटिंग पेपर्स फूड ग्रेड रैपिंग पेपर्स और डेकोरेटिव पेपर्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस आईटीसी का पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग डिविजन नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था तब इस डिवीजन में कंपनी के खुद के टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग का काम किया जाता था प्रेजेंटली आईटीसी के तीन पैकेजिंग फैक्ट्रीज हैं जो कि चेन्नई बिहार के मुंगेर और हरिद्वार उत्तर प्रदेश में है आईटीसी के पैकेजिंग का यूज लीकर मोबाइल फोन फूड बेवरेजेस पर्सनल प्रोडक्ट्स और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग में किया जाता है एग्री कम्युनिटी एंड रूरल सर्विसेज आईटीसी का एग्री बिजनेस डिवीजन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है और आईटीसी के मेन एक्सपोर्ट्स किए जाने वाले एग्री प्रोडक्ट्स हैं सोया मिल फूड ग्रेन फ्रूट्स और कॉफी आईटीसी ने मध्य प्रदेश के सोया फार्मर्स के साथ बेस लेवल पे जुड़ने और उनसे डायरेक्टली एग्री प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ई चौपाल वेब सर्विसेज स्टार्ट किया था ईयर 2000 में और इस तरह से आईटीसी ने बिचौलियों को हटा दिया और इससे कंपनी और किसानों दोनों का फायदा हुआ इसके लिए आईटीसी ने बहुत सारे गांवों में इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जहां से किसानों को मौसम क्रॉप कंडीशन खेती किसानी के नए तरीके और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलता है आईटीसी का ई e चौपाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रेजेंटली ई e चौपाल के सिक्सटी से ज्यादा कियोस्क है इसके साथ ही आईटीसी ने चौपाल सागर नाम से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ट्वेंटी थ्री कलेक्शन एंड स्टोरेज हब्स बनाए हैं जहां पर एग्री प्रोडक्ट्स के कलेक्शन और स्टोरेज के अलावा किसानों को ट्रेनिंग बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और फ्यूल स्टेशन जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है इसके साथ ही आई ने चौपाल प्रदर्शन खेत प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसमें आई अपने प्लॉट्स में नए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से खेती करती है और इन प्रैक्टिस का पैदावार पर क्या असर पड़ता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन करती है ताकि आईटीसी से जुड़े सभी किसान अपने खेती की क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ा सके आईटीसी इन्फोटेक ये आईटीसी की वोली ओन सब्सिडरी है और ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी जैसे इंडस्ट्रीज को आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही आईटीसी लिमिटेड के खुद के सारे डिजिटल एंड आई नीड्स को फुलफिल करती है और आई के ई चौपाल की सारी जिम्मेदारी भी आई टी ही संभालती है अब बात करते हैं आई के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सिगरेट्स के बारे में आई का सिगरेट डिवीजन कंपनी का ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है बिजनेस के शुरुआती छह दशकों तक आई सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस किया करती थी प्रेजेंटली आईटीसी इंडिया की लार्जेस्ट सिगरेट कंपनी है और आई के मेन ब्रांड्स हैं इनसिग्निया इंडिया किंग्स क्लासिक गोल्ड फ्लेक अमेरिकन क्लब नेवी कट प्लेयर्स सीजर्स, ब्रिस्टल, फ्लेक, कट और ड्यूक एंड रॉयल। विल्स नेवी कट इंडिया का पहला फिल्टर्ड सिगरेट ब्रांड है ओरिजिनली ये सिगरेट डब्ल्यूडी एंड एच ओ विल्स कंपनी द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया जाता था फिर जुलाई 1963 से आईटीसी इसका प्रोडक्शन इंडिया में करने लगी 1988 में डब्ल्यू डी एंड एच ओ विल्स कंपनी बंद हो गई बट आज भी आई के कई सारे सिगरेट ब्रांड्स के नाम के साथ आपको विल्स या डब्ल्यू डी एंड एच ओ विल्स लिखा हुआ मिलेगा आई अपने अपनी हिस्ट्री से कनेक्टेड रहने के लिए आज भी इन वर्ड्स का यूज करती है और विल्स नेविक ब्रांड नेम आई ने ऑफिशियली रजिस्टर करा लिया है प्रेजेंटली आई के पांच सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि कोलकाता बेंगलुरु मुंगेर सहारनपुर और पुणे में है सिगरेट सेगमेंट में नंबर वन होने के अलावा आईटीसी टोबैको लीव्स की इंडिया की लार्जेस्ट बायर प्रोसेसर और एक्सपोर्टर है इंडिया के टोटल टोबैको लीव प्रोडक्शन का तकरीबन 50 टी सी ही खरीदती है अब आईटीसी के रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो आईटीसी के रेवेन्यू में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन सिगरेट सेगमेंट का है जहां से कंपनी का फोर्टी से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है और ट्वेंटी बाकी के एफ बिजनेस से आता है इसके अलावा एग्री बिजनेस से 19 परसेंट पेपर बोर्ड पेपर एंड पैकेजिंग सेगमेंट से 11 और बाकी का 4 परसेंट होटल बिजनेस से जनरेट होता है आईटीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर संजीव पुरी और आईटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के नाम ये हैं और आईटीसी के इंडिपेंडेंट एंड नॉन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर्स के नाम ये हैं और प्रेजेंटली कंपनी में थर्टी से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं और फोर ज्वाइंट हैं नजर डाल लेते हैं आईटीसी 2 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली लार्ज कैप कंपनी है और इसका पी रेशियो अप्रोक्स फोर्टीन का है जो कि इंडस्ट्री पी के आसपास ही है बट यहां मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये इंडस्ट्री पी सिगरेट इंडस्ट्री का है बट आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और सिगरेट के अलावा भी कंपनी के बहुत सारे बिजनेस हैं। अब अगर मैं प्योर एफ कंपनीज के बारे में बात करूं तो प्योर एफ कंपनीज का इंडस्ट्री पी e. 65 का है तो उस बेसिस पे आई काफी अंडर वैल्यूड लग रही है बट आईटीसी को प्योर एफ कंपनीज के साथ कंपेयर करना भी सही नहीं होगा इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि आई के, के केस में हमें इंडस्ट्री पी e. पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए इसके जगह आप आईटीसी के पास्ट पी रेशियो को एनालाइज कर सकते हैं लास्ट एक साल को छोड़ दें तो उसके पहले के चार साल में आईटीसी 25 से ज्यादा के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही ट्रेड करती आई है आईटीसी का डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है यानी कि आईटीसी एक डेट फ्री कंपनी है कंपनी का आर ओई का है और आर ओ से ज्यादा का है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है आईटीसी का बुक वैल्यू 53 का है और प्रेजेंटली इसका प्राइस टू बुक वैल्यू थ्री से ज्यादा का है जो कि थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है बट यहाँ याद रखिए कि आईटीसी 110 साल पुरानी कंपनी है और कंपनी के बुक्स में एसेट्स को उनके कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है इसलिए आईटीसी का बुक वैल्यू आपको क्लियर पिक्चर शो नहीं कर रहा है कंपनी का डिविडेंट का है बहुत कम प्राइवेट कंपनी इतना हाई डिविडेंट देती है आईटीसी ने रिसेंटली जुलाई में ही टेन से ज्यादा का डिविडेंट डयर किया था चलिए अब बात करते हैं कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस का लास्ट टेन ईयर में आई का ग्रॉथ सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2016 के अलावा बाकी सभी सालों में इंक्रीज हुआ है 2019 से 2020 के दौरान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21 परसेंट से ज्यादा का ग्रोथ आया है और ईपीएस भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हुआ है यहां आप देख सकते हैं कि ब्लू बार में दिया हुआ डिविडेंड पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है

हालांकि आईटीसी के अदर एफएमसीजी सेगमेंट का अर्निंग इंक्रीज हुआ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आटा बिस्किट नूडल्स हैंड वॉश जैसे प्रोडक्ट्स का सेलिंग ही सबसे ज्यादा हुआ था जिस वजह से आईटीसी के अदर एफएमसीजी सेगमेंट के प्रॉफिट में 60 परसेंट से ज्यादा का जंप आया आईटीसी के रेवेन्यू मिक्स में हमने देखा था कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस से चार परसेंट का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाती है लॉकडाउन के वजह से होटल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जिस वजह से आईटीसी का होटल सेगमेंट जो कि पहले ही काफी कम प्रॉफिट जनरेट कर रहा था उसने इस क्वार्टर में 243 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है इस क्वार्टर में एग्री बिजनेस को लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा जिसकी वजह से एग्री बिजनेस का इनकम भी 12% परसेंट कम रहा और लास्ट में पेपर बोर्ड पेपर एंड पैकेजिंग का प्रॉफिट भी लो डिमांड के वजह से ऑन ईयर बेसिस पे फिफ्टी डाउन रहा इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट डिडक्ट करने और अदर अनएलोकेबल इनकम को एड करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर के क्वार्टर वन के कम्पेरिजन में थर्टी फाइव परसेंट डाउन रहा ओवरऑल बेसिस पे लॉकडाउन के वजह से आईटीसी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है हालांकि मार्केट पहले से ही ऐसा खराब रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था चलिए तो अब हम इंडिया के सिगरेट इंडस्ट्री को समझते हैं इंडियन एडल्ट मेल्स में सेवन परसेंट सिगरेट पीते हैं फोर्टीन परसेंट बीड़ी पीते हैं और तकरीबन 30 परसेंट दूसरी तरह के स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं ओवरऑल 42 इंडियन एडल्ट मेल्स किसी ना किसी तरह का टोबैको प्रोडक्ट यूज करते हैं इंडिया में कंज्यूम होने वाले टोटल टोबैको प्रोडक्ट्स में से सिर्फ वन टेंथ ही लीगल सिगरेट से होता है और इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इीगल सिगरेट मार्केट है इलीगल सिगरेट मीन्स वो सिगरेट जिस पर कोई टैक्स पे नहीं किया गया है और इसे इंडिया में स्मगल करके लाया गया है लास्ट टेन ईयर्स में इंडिया में लीगल सिगरेट्स का कंजम्पशन ट्वेंटी परसेंट से डिक्रीज हुआ है वहीं इन लीगल सिगरेट्स का कंजम्पशन थर्टी सिक्स परसेंट से इंक्रीज हुआ है और इसका एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट हर साल सिगरेट्स पे टैक्सेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट द्वारा किए गए टैक्स इंक्रीज को आई पूरी तरह से कस्टमर्स पर ट्रांसफर कर देती है सिगरेट के प्राइसेस बढ़ाकर बट ऑन द अदर हैंड इन सिगरेट्स को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता जिस वजह से लीगल और इन सिगरेट्स का प्राइस डिफरेंस और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है और इस वजह से इन सिगरेट्स का कंजन भी बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज इन लीगल सिगरेट लीगल सिगरेट से अप्रॉक्स फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट सस्ते होते हैं गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इंडिया में बनने वाले सिगरेट्स के पैकेट्स में एट्टी फाइव परसेंट से ज्यादा एरिया में पिक्टोरियल और टेक्सटल वार्निंग होना जरूरी है बट ये रूल इीगल सिगरेट्स पर अप्लाई नहीं होता इस वजह से इनके पैकेट्स में ऐसा कोई वार्निंग भी नहीं होता है अब कई नए लोगों को ये लगता है कि जिन पैकेट्स में वार्निंग नहीं होता है वो सिगरेट्स हार्मफुल नहीं है और इस वजह से ये लोग इन सिगरेट्स खरीदते हैं बट इन रियलिटी ये इन सिगरेट्स आस पास के गरीब देशों से इंडिया में स्मगल किए गए हैं और कई बार ये स्मगल सिगरेट्स ओरिजिनल भी नहीं होते और हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक होते हैं तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन लीगल सिगरेट्स के वजह से तीन तरह से नुकसान होता है पहला नुकसान तो आईटीसी जैसी लीगल सिगरेट कंपनीज को रेवेन्यू फ्रंट पर होता है सेकेंड नुकसान होता है इंडिया की इकोनॉमी को क्योंकि इन लीगल सिगरेट से कोई टैक्स नहीं मिलता जिस वजह से इंडिया को हर साल पंद्रह हजार करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू लॉस होता है और थर्ड नुकसान होता है उन इंडिविजुअल्स को जो अनजाने में ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इलीगल सिगरेट्स के अलावा कुछ और रीजंस जिसके वजह से आईटीसी का शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है वो है आईटीसी अपने एफएमसीजी सेगमेंट में काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जिसके लिए कंपनी काफी एग्रेसिवली स्पेंडिंग कर रही है जिस वजह से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ रहा है बहुत सारे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते जो कि किसी तरह के नशे का बिजनेस करती हैं, जैसे कि लिकर एंड सिगरेट कंपनीज या वो कंपनीज जिनके बिजनेस से एनिमल्स को नुकसान पहुंचता हो जैसे कि वो कंपनीज जो मीट या सी फूड सेल करती हैं या वो कंपनीज जो गैम्बलिंग के बिजनेस में है जैसे कि डेल्टा कॉप एथिकल एंड मॉरल रीजन के वजह से बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते हैं अब क्योंकि आईटीसी का मेन बिजनेस सिगरेट का है तो हो सकता है कि इस वजह से बहुत सारे बड़े एच इन्वेस्टर्स आई में इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हों जिसकी वजह से आई के प्राइस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है लॉकडाउन के वक्त अन अवेलेबिलिटी के वजह से कई सारे लोगों का स्मोकिंग हैबिट छूट गया होगा जो कि शॉर्ट टर्म में आईटीसी के लिए बुरा है बट इस पॉइंट के साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा जब एक ग्रुप स्मोकिंग क्विट करता है तो एक नया ग्रुप स्टार्ट करता है ये एक सर्कल है और ये सर्कल चलता रहता है तो आई डोंट थिंक की नेक्स्ट 10 इयर्स तक आईटीसी के सिगरेट बिजनेस के डिमांड में कोई बहुत ज्यादा कमी आने वाला है इसके अलावा ग्लोबल सिगरेट कंपनीज का वैल्यूएशन भी गिर रहा है इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको गरम जैसी कंपनीज का शेयर प्राइस भी लास्ट कुछ ईयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है रिसेंटली फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के सीईओ ने एक समिट में कहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में कई सारे कंट्रीज में सिगरेट की बिक्री बंद हो सकती है क्योंकि स्मोकर सिगरेट के ऑल्टरनेटिव के तरफ स्विच कर रहे हैं हालांकि यह स्टेटमेंट कंपनी के सीईओ ने खुद के सिगरेट ब्रांड्स पर दिया है बट इस स्टेटमेंट को इंडिया में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इन्वेस्टर्स के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है चलिए अब आईटीसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में जान लेते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंट गिरावट में आईटीसी में अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है सिगरेट से आईटीसी का 40 परसेंट रेवेन्यू जनरेट होता है और ये सेगमेंट 8 परसेंट पर एन एम के रेट से ग्रो हो रहा है इसके अलावा आईटीसी का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है अभी के स्लो इकोनॉमिक कंडीशन में डेट फ्री कैश रिच कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ये कंपनीज अभी दूसरे छोटे डेट रिटर्न कंपनीज को काफी डिस्ट्रेस्ड रेट में एक्वायर कर सकती हैं और अपना एक्सपेंशन कर सकती हैं। आईटीसी अब सिगरेट बिजनेस के अलावा बाकी बिजनेस पे भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है जिसके लिए कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा स्पेंडिंग भी किया है धीरे धीरे इसका असर आईटीसी के रिजल्ट में दिखने लगा है और सिगरेट के साथ साथ नॉन सिगरेट सेगमेंट का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज होता जा रहा है और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आईटीसी में पसंद है वो ये है की आई के वेरियस बिजनेस इंटर और इंटर डिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल आई अपने सिगरेट्स के पैकेजिंग के लिए पैकेट का मैन्युफेक्चरिंग अपने ही पैकेजिंग डिविजन में करता है और सिगरेट्स के लिए टोबैको का सप्लाई आईटीसी का एग्री डिवीजन करता है वैसे ही आईटीसी होटल्स में बनने वाले मील्स में आईटीसी के फूड प्रोडक्ट्स का ही यूज किया जाता है और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आईटीसी का एग्री डिवीजन प्रोवाइड करता है तो आप देख सकते हैं कि आई अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी करती है और खुद अपने दूसरे बिजनेस में यूज भी करती है जिसके वजह से आई के सारे डिविजन्स किसी न किसी तरह से एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड अब ITC के प्राइस की बात करें तो वीकली चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि मिड 2013 से लेकर मिड 2017 तक आई का शेयर प्राइस 190 से 275 के रेंज में ही ट्रेड हुआ करता था फिर जुलाई 2017 में शेयर प्राइस 350 से भी ऊपर चला गया उस वक्त जीएसटी लागू होने वाला था और जीएसटी का हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 28% परसेंट का था और आईटीसी का शेयर इसी वजह से ऊपर गया था क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि सिगरेट्स पर भी 28% परसेंट का ही टैक्स लगेगा बट जीएसटी काउंसिल ने यह डिसाइड किया कि सिगरेट्स पर फिफ्टीन का एडिशनल टैक्स लगाना चाहिए यानी कि 28% प्लस 15% परसेंट इक्वल टू 43% का टैक्स लगाना चाहिए इस डिसीजन के आते ही शेयर का प्राइस नेक्स्ट वन वीक में 30% तक करेक्ट हुआ उस इवेंट के बाद आईटीसी का शेयर प्राइस दोबारा थ्री ट्वेंटी के ऊपर नहीं गया और तब से लेकर 2020 के बिगनिंग तक रेंज बाउंड ही रहा और फिर अभी के रिसेंट पैनिक सेलिंग में आईटीसी का प्राइस वन थर्टी तक भी स्लाइड हुआ था प्रेजेंटली 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो सारे एनालिसिस के बाद मेरे पर्सनल ओपिनियन में आईटीसी काफी लुक्रेटिव है और आई में डाउन साइड भी लिमिटेड है इसके साथ ही ITC का डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है और जब आप आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक सिंगल बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बट आईटीसी में आप तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजोन लॉन्ग टर्म का हो और एक बार में बाय करने से बेटर हर पांच या दस रुपए की गिरावट पे खरीदारी करिए हालांकि ये मेरी तरफ से आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए वीडियो के एंड में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है इन वीडियोज को बनाने में मुझे काफी वक्त और मेहनत लगता है और काफी ज्यादा रिसर्च भी करना पड़ता है तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय